दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, लगातार दो मौत कोरोना वार्ड के आईसीयू में। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती राजकुमार पंडित, जो जयनगर का रहने वाला था, उसकी तबीयत खराब थी। आईसीयू में भर्ती कराया गया और अचानक मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा उसकी लाश को जयनगर ले जाया गया। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 7 आईसीयू हैं, जिनमें अभी भी 6 पर गंभीर मरीज का इलाज चल रहा है, जबकि 1 आईसीयू को रिजर्व रखा गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा में अगर कहें तो कोरोना के लिए आइसोलेशन बेड 2000 से ऊपर तैयार हैं, लेकिन गंभीर मरीजों की लगातार संख्या और मौत होते देख दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार ने नए आइसोलेशन का निरीक्षण किया। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में 25-25 बेड का नया आईसीयू बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। हम बता दें, दरभंगा में लगातार कोरोना से मौत भी हो रही है। अधिकतर मौत दरभंगा से बाहर मरीजों का भी हो रहा है। उन्हें आनन फानन में दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है, जहां गंभीर अवस्था में इलाज के दौरान उनकी मौत होती है। दरभंगा डीएमसीएच में अभी तक 17 मौत हो चुकी है। खासकर गंभीर मरीजों के इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच में व्यापक व्यवस्था मुख्य सचिव और दरभंगा कमिश्नर और डीएम के निर्देश के बाद प्रचार ने यहां पर नए आइसोलेशन बेड एवं नई व्यवस्था कायम की थी, लेकिन गंभीर मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा डीएम के निर्देश पर अब 50 नया आइसोलेशन में आईसीयू बेड बनाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑक्सीजन का पाइपलाइन एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।